नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से सितारों के जाने का सिलसिला ऐसा चला कि थमने का नाम नहीं ले रहा, पर जो गए हैं उनके रिप्लेसमेंट अब तक शो में नहीं आए हैं। दिशा पकानी उर्फ लंबे समय से दर्शक दया बैन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जो दर्शकों का फेवरेट किरदार है। कई बार खबरें आईं कि दिशा बकानी शो में वापसी कर रही हैं, लेकिन अब तक वो किसी नए एपिसोड में नज़र नहीं आई। इस बीच चर्चा है कि शो के निर्माता असित मोदी ने नई दया बैन ढूंढ ली है। जी हां, चर्चा है कि दया बैन के किरदार के लिए मेकर्स ने एक नई एक्ट्रेस को फाइनल किया है। पहले तो खबरें आई थी कि दया बैन के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता ने राखी बिजान के नाम पर मोहर लगाई थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि सीरियल सास बिना ससुराल के तोस्टी किरदार से काफ़ी फेमस हुई ऐश्वर्या ने दया बैन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ऑडिशन दिया है, तब उन्होंने कहा कि मैं ये शो नहीं कर रही हूँ, सीरियल्स के लिए मेरा लुक टेस्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे चैनल से कोई भी कॉल नहीं आया है, ना मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन अब नई अभिनेत्री का नाम सामने आ रहा है। बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बैन के किरदार के लिए मेकर्स ने काजल पिसल के नाम पर विचार किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर मेकर्स काजल पिसल के नाम को फाइनल करते हैं तो अगले महीने से ही तारक मेहता में दया बैन के रोल में नजर आएंगी। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही काजल पिसल से कोई जवाब मिला है, यानी इस रिपोर्ट के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर दर्शक बेसब्री से दया बैन के किरदार में एक बार फिर दिशा बकानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि काजल पिसल अब तक कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। इनमें बड़े अच्छे लगते हैं उड़ान, एक हजारों में मेरी बहना है, नागिन 5 और एक मुट्ठी आसमान जैसे सीरियल्स शामिल है। अब देखना यह है कि काजल पिसल शो में दिशा बकानी को रिप्लेस करती हैं या नहीं, या इनका नाम भी बस हवा में उड़कर वापस चला जाएगा जैसे बाकी दो नामों के साथ हुआ। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।